Hello everyone today we will discuss about the unit 5 of pharmacognosy C1 BP405t subject code and the topic is the protein which contains the gelatin or the casein and enzymes which contains the papain. so Ham look those topics other discussion is that is the protein. प्रोटीन्स में भी दो सोर्सेज हैं दैट इज द जिलेटिन और कैसिन और सेकेंड वन जो है एंजाइम्स तो एंजाइम्स का वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड द वन एंजाइम्स कंटेनिंग ड्रग दैट इज द पेपेन ओके सो आई डॉक्टर वीना देवी सिंह वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एन आई टी फार्मेसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा सो हम स्टार्ट करते हैं

कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ठीक है तो इसमें अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंटली कनेक्टेड रहते हैं एक बॉन्ड के थ्रू दैट बॉन्ड इज दैप्टाइड बॉन्ड सो कंसिस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जॉइंट्स बाय द पैप्टाइड बॉन्ड सो ही वी कैन सी दैट कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं टू अमाइनो एसिड्स का एग्जाम्पल है यहाँ पर तो so, हम देख सकते हैं कि इसमें जो अमाइनो एसिड्स होता है विच कंटेन्स दी वन अमाइंस ग्रुप और जो सेकेंड एंड होता है दैट कंटेन्स दी कार्बोक्सलिक ग्रुप ठीक है तो जो अमाइंस ग्रुप्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी एंड टर्मिनस एंड द कार्बोक्सलिक ग्रुप जो होते हैं दैट इज नोन एज दी सी टर्मिनस ओके सो जब ये दो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद इट विल रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ठीक है जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का इट विल रिलीज एंड दे विल फॉर्म अ वन काइंड ऑफ दी बॉन्ड दैट इज दिन एच सी ओ ब्ड दैट इज ऑल्सो नोन एज द पेपटाइड बॉन्ड ओके सो इसका ओ OH एच और इसका वन एच ठीक है ये वॉटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और इट विल फॉर्म अ एन एच सी ओ ब्ड दैट इज दैप्टाइड बॉन्ड सो प्रोटीन की ये डेफिनेशन हो गई देन उसके बाद देखते हैं कि जो प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग है दैट इज द जिलेटिन सो जिलेटिन जो होता है मेनली डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड जिलेटस ठीक है जिसका मीनिंग होता है स्टिफ स्टिफ मतलब हार्ड हो जाना थोड़ा सा उसको हार्ड कर देना ठीक है तो इट इज़ अ जिलेटिनस सब्सटेंसेज और इट इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट तो जिलेटिन आर दी जनरली ट्रांसल्यूसेंट होता है कलरलेस होता है फ्लेवरलेस होता है और फूड इंग्रेडिएंट के फॉर्म में यूज़ होता है क्योंकि इसको भी वी कैन यूज़ इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फूड इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है तो जो जिलेटिन का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इट इज़ मेनली ऑप्टेन फ्रॉम दी डिफरेंट एनिमल्स ठीक है तो एनिमल्स से हम लोग इसको ऑप्टेन करते हैं तो बेसिकली जिलेटिन आर दी एनिमल सोर्स ओके सो एनिमल सोर्स में भी वी कैन ऑप्टेन द जिलेटिन फ्रॉम दी बोन्स स्किन एंड टेंडॉन्स ऑफ द वेरियस डोमेस्टिक एनिमल्स तो जब हम जिलेटिन ऑप्टेन करते हैं वो एनिमल्स से ऑप्टेन करते हैं एनिमल्स में भी उसके बोन से ऑप्टेन कर सकते हैं स्किन से ऑप्टेन करते हैं और उसमें जो टेंडॉन्स होते हैं उससे ऑप्टेन कर सकते हैं तब ये जो एनिमल्स हैं इट मे बी अ और द शिप सो ऑक्स में भी कौन सी ऑक्स स्पीसीज वी कैन यूज देट इज़ द टॉरस एंड शिप में ओविस एरिज ठीक है सो दीज टू आर दी डिफरेंट एनिमल्स लाइक ऑक्स और दी शिप्स कैन बी यूज टू ऑपटेन द जिलेटिन ओके एंड द फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्स और द शिप आर बॉविडी सो बॉविडी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं एंड दीज आर देशिकली एनिमल सोर्सेज तो ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी पड़ेंगी ठीक है उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करेंगे तो जिलेटिन कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लूटेन तो जनरली जो जिलेटिन होता है वो ग्लूटेन प्रोटीन कंटेन करता है हमारा जो वीट होता है ठीक है जो हमारा वीट गेहूँ ठीक है इट ऑल्सो कंटेन वन काइंड ऑफ द प्रोटीन दैट इज द ग्लूटेन सो जिलेटिन में भी ग्लूटेन प्रेजेंट होता है ठीक है एंड ऑन हाइड्रोलिस ऑफ द अमाइनो एसिड्स तो अबाउट 15 टू 20 जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल प्रोड्यूस तो देयर आर द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स और द मिक्सचर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन प्रोलिन ग्लूटामिक एसिड हाइड्रॉक्सीप्रोलिन आर्जिनिन एलालीन एस्पार्टिक एसिड लाइसिन सेरिन थ्रियोनिन ल्यूसिन फिनाइल एलिन वायलिनिन आइसोल्यूसिन हाइड्रोक्सिस हिस्टिडिन मिथ्योनिन दी अदर्स तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द अमायनो एसिड्स कैन बी यूज और कैन बी ऑप्टेन आफ्टर द हाइड्रोलिस ऑफ द जिलेटिन सो दिस दिस इज दाएचार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स ना यूज की बात करते हैं तो बेसिकली इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर दी पेस्टिल्स पेस्टिल्स मीन्स लोजेंजेस जो फॉर्म करते हैं विक्स की जो गोलियाँ आती हैं ठीक है विक्स जो हम लोग खाते हैं दैट इज़ दी लॉजेंजेस ठीक है the lozenges. तो लोजेंजेस आर दी पेस्टिल्स तो उनकी प्रिपरेशन में वी कैन यूज़ पेस्ट के प्रिपरेशन में सपोजिटरीज कैप्सूल्स और यूज इन दी पिल कोटिंग पिल की कोटिंग करने के लिए भी तो आप देख सकते हो कि जो हमारे कैप्सूल्स जो होते हैं ऊपर की जो शेल होती है ठीक है कैप्सूल्स की जो शेल्स होती हैं उनके लिए वी कैन यूज दी जिलेटिन ठीक है तो हमारी ये जो जिलेटिन होती है दैट आर ऑप्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज ठीक है जनरली वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम द स्किन और द टेंडॉन्स और द बोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्स और द शेप सो ये जो कैप्सूल्स की जो सेल्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं जिलेटिन से ठीक है अंदर कैप्सूल्स के अंदर तो मेन हमारा एक्टिव इन्ग्रीडियंट ही रहता है सॉफ्ट जिलेट सॉफ्ट जेल का फॉर्मेशन होता है तो आप देखते होंगे कि जो पुदीना पुदीन हरा होता है पुदीन हरा में जो कैप्सूल्स होते हैं वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का एग्ज़ाम्पल होता है ठीक है और आप देख सकते हो कि जब हमको अभी हम तो कोरोना चल रहा था तो उसमें भी जो भी हमारे जिलेटिन कंटेनिंग जिसमें हम स्टीम लेने के लिए एक ड्रग यूज़ करते थे ठीक है ताकि स्टीम लें तो वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ही आता था विटामिन ई e जो आता है वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ही आते हैं ठीक है नाउ और सपोजिटरीज की प्रोपरेशन के लिए भी हम लोग जिलेटिन यूज़ करते हैं ठीक है एंड डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं सो इट बूज द स्किन हेल्थ हेल्थ नेल्स एंड ग्रो फास्टर गट डाइजेशन में यूज़ करते इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है जॉइंट्स सपोर्ट ट्रेशन के लिए यूज़ होता है डैमेज हेयर जो होते हैं वहाँ पे तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है नेल्स में हेयर्स में बोन्स में तो सब जगह हमारा जिलेटिन जो हो वो यूजफुल होता है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन बैलेंस हार्मोन्स रिड्यूज शाइन और दी एजिंग प्रिवेंट सेल्यूलाइट्स ठीक है तो फैट का डिपोजिशन जब हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ दी तो उसको प्रिवेंट करेंगे स्ट्रैथ टीथ डिटॉक्स डिटॉक्स लिवर प्रमोट रेस्टफुल स्लीव्स और कव कार्विंग में क्रैविंग में यूज करते हैं मतलब हमको ज़्यादा भूख ना लगे उस कंडीशन में भी हम लोग जिलेटिनस को यूज करते हैं सेकेंड इज द केसिन सो केसिन इज द प्रिंसिपल फॉस्फो प्रोटीन्स इन मिल्क ऑफ द एंड इट कंटेन्स थ्री परसेंट ऑफ दी इट कंटेंस थ्री परसेंट इन द मिल्क ओके इट कंप्राइजेज अबाउट एट्टी परसेंट ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ द मिल्क मिल्क में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका जो एट्टी परसेंट होता है दैट इज आपका केसिन सो देयर आर द टू टाइप ऑफ द केसिन एसिड केसिन और द ग्रेड कैसिन ओके सो एसिड केसिन सो वॉर्म स्किम्ड मिल्क इज एसिफाइड विद द डाइल्यूट एसिड एंड द वे इज सेपरेटेड कर्ड इज वॉश सेवरल टाइम्स एंड ड्राइड इन पल्वराइज इसमें क्या करते हैं कि हमने वॉम्ड स्किम्बड मिल्क लिया उसको एसिड डाइल्यूट एसिड यूज किया तो हमारा जो मिल्क है वो क्या हो जाता है फट जाता है ठीक है उसमें से फिर हमारा एक वाटरी और एक थोड़ा सा क्लॉटिंग टाइप की जो चीज़ ऑप्टेन होती है सो so, जो क्लॉट टाइप की जो चीज़ ऑप्टेन होती है कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कर्ड ही कैसीन होता है ठीक है जो वाटरी पार्ट होता है दैट इज़ वे तो वे को हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं ठीक है और उसका जो कर्ड फॉर्म होता है जिससे हम पनीर वगैरह भी बनाते हैं तो दैट इज़ दी केसिन सो उस टाइप के जो केसिन विद दी हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड्स से जिसको हम यूज़ करते हैं दैट काइंड ऑफ दी एसिड्स आर नोन एज दी एसिड केसिनस ओके सो so, इसको फिर हम लोग ड्राई कर लेते हैं जो कर्ड हमको ऑप्टेन होता है उसको सेवरल टाइम वॉश करते हैं ड्राई करते हैं और परवलाइज कर लेते हैं सेकेंड है रेनेट कैसिन तो रेनेट कैसिनस में भी अगेन हम लोग स्किम्ड मिल्क लेंगे ट्रीटेड विथ एन एंजाइम उसको एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो रेनेट का एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन हो जाएगा उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे और प्योरीफाइड कर लेंगे तो जो कैसिन होता है वो दो फॉर्म में होता है एसिड और दी रैनिट सो एसिड में डायलूट एसिड यूज करते हैं और रेनेट में हम लोग एंजाइम्स के थ्रू उसको सेपरेट आउट करते हैं ठीक है सो दी दीज टू आर टाइप ऑफ दी कैसंस कैन बी यूज अब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो जनरली जो कैसिन होता है वाइट होता है स्लाइटली येलो टेस्टलेस होता है ओडरलेस होता है एमोफोस um सॉलिड्स होते हैं एंड हाइग्रोस्कोपिक स्टेबल वैन ड्राई बट डिटोरिएट्स रैपिडली वैन डैम्प तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मिल्क पाउडर होता है वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है थोड़ा सा भी उसमें एरिएशन या एयर आ जाती है तो उसकी वजह से वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है ठीक है डैम्प का फॉर्मेशन कर लेता है तो जब डैम्प का फॉर्मेशन हो जाता है उस कंडीशन में इसकी जो इफेक्टिविटी है इफेक्टनेस है वो क्या हो जाती है डिटोरिएट हो जाती है ठीक है इट इज़ इंसॉलिबल इन दाटर

आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है जनरली हम प्रोटीन्स के लिए यूज़ करते हैं तो इट कंटेन्स 4.7 पॉइंट सेवन एंड दी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स में दैट इज फिफ्टीन टू सिक्सटीन परसेंट कैमिस्ट्री कैसिन इज दी फॉसफो प्रोटीन्स कंटेनिंग अबाउट पॉइंट एट फाइव परसेंट फॉस्फोर दी पॉइंट सेवन 5% सल्फर इट कंटेन्स अबाउट 15 अमाइनो एसिड्स आल्सो रिच इन अशेंशियल अमायनो एसिड्स तो जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए जिलेटिन में सेम उसी टाइप के अमाइनो एसिड्स हमारे कैसिन में भी प्रेजेंट होते हैं ओके नाउ यूजेस तो डाइट्री सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं ठीक है एंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में जब किसी का ऑपरेशन होता है तो प्रायरली और आफ्टर दी ऑपरेशन हम लोग ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उस कंडीशन में वी कैन यूज दी कैसे एज अ बेस इन द स्टैंड्राइजेशन ऑफ द प्रोटिलाइटिक एंजाइम एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स ठीक है तो प्रोटिवलाइटिक एंजाइम्स के स्टैंड्राइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में भी इनको यूज़ करते हैं इंडस्ट्री इट कैन बी यूज इन साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड द पेपर एज एन एधेसिव एडेसिव के फॉर्म में मीन्स गम्स के फॉर्म में गोंद के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं स्टिक करने के लिए सो so, साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज में और इन दी प्रिपरेशन ऑफ केसिन प्लास्टिक और और दी केसिन केसिन पेंट्स पेंट्स तो प्लास्टिक के था हमारा प्रोटीन्स प्रोटीन्स में हमने देखा कि कैसेन और जिलेटिन टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा नाउ वी कंटिन्यू अबाउट एंजाइम्स, ओके सो कंटिन्यू एंजाइम्स क्या होते हैं तो एंजाइम्स आर दी प्रोटीन विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट तो अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने की वजह से क्या होता है ये जो रिएक्शंस होती हैं जितनी भी कैमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें आप देखते होंगे कि डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी यूज तो दीज एनजम्स जो होती हैं ये क्या करते हैं हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटेलाइज कर देते हैं और उनकी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं ठीक है इट मे बी रेगुलेट दी रिएक्शंस ठीक है रेगुलेट भी कर सकते हैं तो वेलम को ने इंट्रोड्यूस द टर्म एनजाइम्स इन 1878 तो 1878 में जो टर्म है एनजाइम्स वो आया कि इन्होंने दिया हमारे ने दिया ठीक है इट्स प्ले वाइटर रोल इन दी फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड एक्टिविटी ऑफ़ दी ऑर्गेनिजम्स तो जितने भी हमारी सेल्स में जो भी रिएक्शंस होती हैं तो जो भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए वाइटर रोल प्ले करता है और साथ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम हमारे एंजाइम्स का होता है एंजाइम शोज़ मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है इसकी क्योंकि जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव और पी सेंसिटिव ठीक है तो ये टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए तो एंजाइम शोज़ मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन 35 फ़ाइव टू फोटी डिग्री सेंटीग्रेड इनएक्टिव एट जीरो डिग्री एंड बियॉन्ड 65 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इट गेट डी नेचर्ड ठीक है तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में इनएक्टिव होते हैं कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं 65 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाते हैं ये डि नेचर्ड हो जाते हैं ठीक है इनकी जो नेचर होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है ठीक है सोलिबल इन दॉटर एंड द डायलूट एल्कोहल तो डायल्यूट एल्कोहल और वाटर में सोलिबल्स होते हैं बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो दे गेट प्रसिपिटेटेड ओके पी एच ऑफ द मीडियम एंड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ठीक है तो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड कर जाती है हम जो पीएच है वो कैसा ले रहे हैं ठीक तो तो है तो पीएच ऑफ द मीडियम इज़ डायरेक्टली अफेक्ट दी पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम्स ठीक है तो एंजाइम्स जो हैं हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं और हमने अगर उसका पीएच हल्टर अल्टर कर दिया उस कंडीशन में क्या होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है इट मे बी अल्टर ठीक है जैसा पी चेंज किया एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है तो मॉलिकुलर वेट इज़ अबाउट थर्टीन थाउजेंड टू एट फोर्टी थाउजेंड डाल्टन इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो थर्टीन थाउजेंड से स्टार्ट होता है और एट लाख फोर्टी थाउजेंड तक पहुंच जाता है ठीक है अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वी कैन से आर दी एंजाइम सेंसिटिविटी होती है एंजाइम रेगुलेशन स्पेसिफिसिटी कैटालाइसिस और दी रिवर्सिबिलिटी होती है ठीक है तो सेंसिटिविटी तो एंजाइम्स जो होते हैं पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं अगर हमने पीएच और टेम्परेचर अल्टर किया तो इनकी एक्टिविटी सेंसिटिविटी जो है वो चेंज हो जाती है रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये रेगुलेट करने का काम करते हैं ठीक है स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइम्स कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन करनी है तो हमें दूसरा एंजाइम लेना पड़ेगा ठीक है अगर लाइगेज करना है तो हमें दूसरा एंजाइम करना यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो ट्रांसफ़र अगर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए हमें दूसरा एंजाइम यूज़ करना पड़ता है तो वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिसिटी हो जाती है कि पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हम कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं एंजाइम कैटालिसिस ठीक है तो एंजाइम्स जो होते हैं रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज दी बायो कैटाइज ठीक है तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिएक्शन होती हैं उनको एनहेंस करने का काम हमारा एंजाइम्स का होता है ठीक है एंजाइम रिवर्सिबिलिटी तो कई बार एंजाइम्स जो होते हैं वी कैन यूज फॉर दी रिवर्सिबल रिएक्शंस तो हमने जो चीज जिसमें यूज की थी जिसमें कन्वर्ट हो गया था हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया था अगेन इफ वी वांट टू चेंज इट सो वी कैन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिज एंजाइम्स वी कैन चेंज दी रिएक्शंस नाउ डिफरेंट प्रॉपर्टीज में अगेन बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स तो एपो एंजाइम्स होते हैं को एनजाइम्स को फैक्टर्स और दी होलो एन्जाइम्स तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स यूज होते हैं तो ये पता होना चाहिए कि वॉट इज एपो एनजाइम्स को एनजाइम को फैक्टर्स और दी होलो एन्जाइम्स तो को एपो एनजा आर दी कॉन्स्टिटेंट्स ऑफ द इन एक्टिव प्रोटीन पोर्शंस तो इन एक्टिव पोर्शंस जो होता है एनजाइम्स का वो हमारा एपो एनजाइम्स कहलाता है कन्वर्सली को एनजाइम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दी को फैक्टर्स आर दी इनऑर्गेनिक आयन्स मेक अप दी इनएक्टिव नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एन एनजाइम्स तो एपो एनजाइम्स क्या हो रहे हैं हमारे इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन इज नोन एज दी एपो एनजाइम्स तो दिस इज़ द इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन ओके एंड को एनजाइम ऑन को फैक्टर्स आर दी इनएक्टिव नॉन प्रोटीन पोर्शन ठीक है ये इनएक्टिव नॉन प्रोटीन पोर्शन होते हैं दिस वन इज द प्रोटीन पोर्शन एंड दिस वन इज़ द नॉन प्रोटीन पोर्शन ओके वॉट इज को एनजाइम्स ऑर द को फैक्टर्स तो को एनजाइम्स कैन बी यूज फॉर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओके एंड द को फैक्टर्स कैन बी यूज फॉर दी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आयन्स रहते सेम है दोनों इनएक्टिव नॉन प्रोटीनस पोर्शन ही है बट अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो को एनजाइम्स हैं और अगर हम इनऑर्गेनिक आयंस की बात करेंगे तो दैट इज़ को फैक्टर्स ओके सो दस द डिफरेंस बिटवीन द को फैक्टर एंड को एनजाइम इज द इज़ इन केमिकल नेचर ठीक है तो केमिकल नेचर भर उनका अलग अलग होता है ठीक है वेन यूनाइटेड बोथ फॉर्म ऑफ द कैटालिटिकल एक्टिव होलो एंजाइम्स बोल देते हैं जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं प्रोटीन पोर्शन और नॉन प्रोटीन पोर्शन साथ में कंबाइन कर जाते हैं और ये कैटालिटिक एक्टिव होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है ये दोनों जब कंबाइन कर गए तो दिस इज़ दी होलो एंजाइम्स ओके सो दिज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम्स क्या होता है

तो फर्स्ट एक्टिविटी के बेस पे बात करेंगे तो ऑक्सीडो रिडक्टिज़ इफ़ वी वांट टू ऑक्सीडो रिडक्शन टाइप ऑफ द रिएक्शंस तो उस कंडीशन में ये वाली एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू चेंज द मॉलिक्यूल्स और ट्रांसफर द मॉलिक्यूल्स ऑन दैट कंडीशन ट्रांसफर इज एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम लाइज आइसोमरीज और दाइगज सो हमको कौन से एक्टिविटी यूज़ करनी है कहाँ कंट्रोल करना है कहाँ ट्रांसफर करना है कहाँ पे लाइएस करना है कहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रहा है तो वो अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पे वी कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ दी एंजाइम्स तो उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ओके नाउ साइट ऑफ द एक्शंस की बात करेंगे सेकेंड है तो दे आर कैटेगराइज इन टू टू कैटेगरी एक्जो एनजाइम और दी एंडो एनजाइम्स तो एंडो क्लियरली इंडिकेट दैट कि ये सेल्स हैं हमारी ठीक है तो जो इनसाइड जो रिएक्शंस हो रही हैं और इनसाइड जो एंजाइम्स हैं ठीक है दैट इज़ एंडो एंजाइम और जो आउटसाइड हो रहा है ठीक है तो आउटसाइड होने की वजह से आउटसाइड द सेल जो रिएक्शन होंगी और जो एंजाइम्स होंगे ठीक है तो वो क्या कहलाएंगे एक्जो एंजाइम्स तो इनसाइड और आउटसाइड मतलब पर्टिकुलर साइट ऑफ रि एक्शंस तो सेल्स में कहाँ रिएक्शन हो रही हैं उनके बेसिस पे जो होगा वो उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज़ किया गया है ठीक है इनसाइड हो रहा है तो एंडो आउटसाइड दी सेल हो रही है तो एक्सो नाउ सब्सट्रेट के नेचर के बेसिस पे ठीक है नेचर ऑफ दी सब्सट्रेट्स सो देयर आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ दी सब्सट्रेट्स लाइक लैक्टोज माल्टोज सेलूलोज लिपिड स्टार्च और दी प्रोटीन्स सो वी कैन ऑप्टेन दी लैक्टोज एंड दे विल प्रोड्यूस दी ग्लूकोज और दी गैलेक्टोज ठीक है लैक्टोज से क्या कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिन हो रहा है ग्लूकोज और द गैलेक्टोज तो अब इसमें हम लोग लैक्टोज यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सबस्टेट का जो नेचर है उसमें हमने जो एनजाइम यूज़ किया उसमें ए एस जो है हमने उसमें लगा दिया और क्या बना दिया लैक्टेज सिमिलरली माल्टोज़ के लिए माल्टेज सेल्यूलोज के लिए सेल्यूलेज लिपिड के लिए लाइपेज स्टार्च के लिए अमाइलेज एंड प्रोटीन के लिए प्रोटीएस सो हमको कैसा प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है कौन से सब्सटेट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर वी कैन यूज दी एंजाइम्स दैट काइंड ऑफ दी एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ठीक है तो सबस्ट्रेट हमने कौन सा लिया उसके बेसिस पे हम उसका एंजाइम यूज करेंगे और उसके बेसिस पे हमारी रिएक्शन होगी और वी कैन फाउंड दी प्रोडक्ट ओके नाउ सिनोनिम्स फर्स्ट जो हमारा एंजाइम्स है दैट इज दिन ठीक है तो पैपिन का जो सिनोनिम्स है दैट इज पैपे पपायोटीन पैपियोटीन प्रोटिटिक एंजाइम्स इसको तीनों चीज़ें बोलते हैं ठीक है तो जनरली ये कहाँ से ऑप्टीन होता है ये हमारे पपाया से ऑप्टिन होता है ठीक है तो ये भी एक हमारा एंजाइम्स होता है हमने ज़्यादा देखा है कि हमारा जो पपाया है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं तो इज़ ड्राइड प्योरीफाइड लैटेक्स ऑप्टेन फ्रॉम दी मिल्की जूस ऑफ अनड्राई फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेलॉन्ट्री कैरिका पपाया लिन ठीक है तो जनरली जो हमारा पैपेन होता है ये ड्राइड और प्योरिफाइड लैटेक्स होता है विच कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ द अनड्राई फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल मेलॉन ट्री कैरी का पपाया तो कैरी का पपाया में आप देखते होंगे कि मिल्की वाइट फ्रूट्स मिल्की वाइट जूस टाइप का कुछ सिक्रीशन होता है ठीक है तो वो जो लेटेक्स होता है दैट लेटेक्स कंटेज दी वन काइंड ऑफ द एंजाइम दैट इज़ दी पैपेन पैपेन इज ऑल्सो नोन एज दी proteolytic enzymes okay so carica papaya lin is the biological source or botanical name of that particular papaya then their family is the caricaceae सो मैथड ऑफ़ द प्रिप्रेशन ऑफ दी पैपेन की बात करेंगे सो वी कैन ऑप्टेन द लेटेक्स ऑफ दिज फ्रूट्स इज कलेक्टेड इन दी एल्युमिनियम ट्रे सो हम एलुमिनियम ट्रे में लेटेक्स को कलेक्ट कर लेंगे उस फ्रूट्स में जो लेटेक्स ऑप्टेन हुआ था तो एल्युमिनियम ट्रे लेंगे उसमें हम लेटेक्स को कलेक्ट कर लेंगे ठीक है देन टू द कलेक्टेड लेटेक्स पोटेशियम मैटाबाई सल्फाइड इज एडिड देन उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं पोटेशियम मैटाबाई सल्फाइड एड करते हैं वॉट इज द रीज़न तो उसका रीज़न ये होता है कि वो जितना भी उसमें मॉइस्चर होता है तो पोटेशियम मेटा सल्फ़ाइड जो है उसके मॉइस्चर को पूरा सोक कर लेता है और उसको ड्राई करने के लिए वी कैन यूज़ दे पोटेशियम मेटा सल्फ़ाइड ओके देन जब मेटाबाई सल्फाइड एड कर दिया हमने उसमें देन एक्सटर्नियस मैटर इज़ क्लियर आउट बाय पासिंग थ्रू दी सीव्स देन सीव्स लेंगे जितना भी उसमें एक्सट्रनियस मैटर होगा अदर फॉरेन मैटर्स होंगे उसको हम लोग रिमूव आउट कर लेंगे लेटेक्स को ड्राई करेंगे वेलक्यूम सेल्फ ड्रायर में 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड में और ड्राइड लेटेक्स को हम लोग ऑप्टेन कर लेंगे जिसको हम लोग पैपेन बोलते हैं ठीक है उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो जनरली जो पैपेन होता है एमॉरफस पाउडर होता है इट शोज मैग्जिम एक्टिविटी एट दी एच ऑफ द फाइव टू सिक्स इन्सॉलिबल इन द दाटर और द ग्लिसरीन में ये इन्सॉलिबल होते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करेंगे तो इड्ली कलराइज परमानेंट पर्मानेंट सॉरी पर मैगनेट सोल्यूशंस तो पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशंस को ये डीकलराइज कर देते हैं इट कॉज़ कर्डिंग ऑफ मिल्क मिल्क की कर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड यूजेज में बात करेंगे तो बेवरेज की क्लैरिफिकेशन में मीट टेंडराइजेशन में और एंटी इन्फ्लामेट्री एक्टिविटी शो करता है ठीक है तो इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम सो इट कैन बी यूज इन दी मीट टेंडराइजेशन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं फॉर दी क्लैरिफिकेशन ऑफ द बेवरेज डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं कर्डिंग के फॉर्मेशन के लिए एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और अदर एप्लीकेशंस में बात करेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है ठीक है तो दीज आर दी देयर डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड यूज़ेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैपेन ओके थैंक यू